पिछली बार हमने एक चैप्टर किया था जिसमें रवि आया था। अगर हम गौर करें तो रवि रिप्रेजेंट करता है साइलेंस को। दर्शन शास्त्र में एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। रवि दरअसल बंद मुट्ठी को रिप्रेजेंट करता है। पी बॉय इज अ साइलेंट हंटर। मैं तीन शब्दों को समझाऊंगा। पी बॉय को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? अ साइलेंट हंटर। अ का मतलब होता है अकेला, साइलेंट शांत, और हंटर मतलब शिकारी। पिछले चैप्टर में हमने असाइलेंट में से सिर्फ असाइलेंट किया था, अकेला और शांत। आज हम हंटिंग को समझेंगे, शिकारी होता क्या है। रवि सम्राट था, आज हम सम्राट के एटीट्यूड के बारे में सीखेंगे, किंग एटीट्यूड होता क्या है, एक पी बॉय के क्या गुण होते हैं। हमारा आज का चैप्टर है किंग्स एटीट्यूड। सम्राट की पहली निशानी उसका पोकर फेस होता है। पोकर फेस क्या होता है मैं बताता हूँ। पोकर फेस उस चेहरे को कहते हैं जिस पर कोई भाव नहीं होता। आप लोग अभी बना सकते हो, मैं समझाता हूँ कैसे बनाना है। अपने चेहरे को चुप और शांत रखो, हंसना भी नहीं है और दुखी भी नहीं होना है। परेशानी भी हटा दो, चेहरे से खुशी भी हटा दो। ना हंसना है ना रोना है, ऐसा जैसे पत्थर की मूर्ति हो। कोई भाव नहीं चेहरे पर, कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ शांति भी हटा दो अपने चेहरे से, उसे पोकर फेस कहते हैं। इसे पोकर फेस क्यों कहते हैं सुनो। पोकर एक कार्ड का गेम होता है, जुआ होता है ना। इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो चेहरे नहीं पड़ने देते सामने वाले को। मान लो आपके पास अच्छे पत्ते आ गए, आप ना भी मुस्कुराए लेकिन आपकी आंखें चमकने लगेगी, चेहरा खिल जाएगा और जुआरी एक दूसरे के चेहरे पढ़ सकते हैं, पत्ते तो छुपाए होते हैं। तो जुआरी से हमें एक चीज सीखना चाहिए कि हमें अपने चेहरे के भाव को कैसे कंट्रोल किया जाए। हाँ, अक्सर वो क्या करते हैं, अपना चेहरे पर नेगेटिव एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे तीन इक्के आ गए तो चेहरा और आंखों को ऐसे परेशान कर लेंगे कि सामने वाला देखकर ही हंस पड़ेगा और बोलेगा तेरी तो फट गई। और वो क्या बोलेगा, अरे यार चलो गेम को आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये कमजोर जुआरी की निशानी होती है। लेकिन एक परफेक्ट जुआरी अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता। ये एक सम्राट का सबसे बड़ा गुण है। आपको अगर याद हो तो मैंने पॉलिटिक्स की क्लास में बताया था, खाना पीना देखकर लालच नहीं करना है, पैसा देखकर लालच नहीं करना है। पोकर फेस यानी साइलेंट लेकिन एक्टिव, जागे हुए रहना है। यहाँ मैं सुस्त चेहरा बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एकदम चौकन्ने रहना है, दुखी परेशान नहीं, शांत आत्मसम्मान से चमकती हुई आंखें। मैंने दुनिया में 1100 के करीब पी बॉय पर रिसर्च की है, मैं उसका कारण बताता हूँ। रवि जैसा पी बॉय मिलने के बाद मैं बहुत ज्यादा टूट गया, लेकिन मैंने बजाय रोने धोने के मैंने सोचा यार इस चीज को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, इसे सीखूंगा। हालांकि पूनम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, वो काफी काम की चीज थी और मेरे लाइफ में आज तक कोई नहीं मिला जो इतना खुलकर बताए। उसने मुझे साफ साफ बताया था कि हम लड़कियां क्या चाहती है, हम लड़कियां क्या सोचती है। उसके बाद मैंने पूरी दुनिया में करीब 1100 पी बॉय को ढूंढे और उस पर रिसर्च की, उनके काम करने का तरीका देखा। ज्यादा पी बॉय से मैं पर्सनली बात नहीं कर पाया, लेकिन 70-80 से मैंने पर्सनली बात की। कमाल की बात मैं तुम्हें बताता हूँ, उन लोगों से पूछो कि तुम पी बॉय हो तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो पी बॉय है। और उनमें से सबसे अच्छी और प्यारी बात मैं तुम्हें बताऊं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता है कि साला मुझे पटाना है, खा पी कर छोड़ देना है, मुझे तो सिर्फ टाइम पास करना है। वो ऐसी चीज सोचते ही नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूँ। अगर आप ये सोचोगे ना मुझे पटानी है और खा पी कर छोड़ दूंगा, तो ये भाव तुम्हारे चेहरे पे आएगा। तुम जो सोचते हो वो तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है। मैंने उनसे बात की तो पाया कि वो लोग बड़े इमोशनल होते हैं, हमेशा प्यार को तरसते हैं। काश कोई लड़की मिल जाए, मैं उसे बहुत प्यार करूंगा। और उनकी जो करंट गर्लफ्रेंड होती है वो उस पर भी मरे जा रहे होते हैं, यार वो नाराज हो जाएगी, बुरा मान जाएगी, मैं उसे तंग नहीं कर सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और पूछेंगे तो बताएंगे ये 75 नंबर की गर्लफ्रेंड है, इसके पहले 74 और हो चुके हैं। वो पूछने पर बताते हैं, लेकिन आपको देखकर लगेगा बड़ा ईमानदार बंदा है और एक ही लड़की से प्यार करने वाला लड़का है, और ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने नाटक कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ उसे अच्छी तरह से समझ लेना, ये पी बॉय की शुरुआत है। अगर इन क्लासेस को तुम समझ नहीं पाए तो आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये बेसिक क्लासेस है। पहले तो तुम्हारा एटीट्यूड तय होना चाहिए। पी बॉय का एटीट्यूड लापरवाह नहीं होता, लापरवाह तो लड़की उसे कहती है। अगर तुम जाकर बात करोगे तो कहोगे कितना केयरिंग बंदा है यार, ये तो प्यार ही बहुत करता है। उल्टा तुम उसकी सिफारिश लेकर लड़की के पास जाओगे, अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत प्यार करता है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, नाटक नहीं कर रहा है वो। लेकिन लड़की तुम्हें बताएगी तो उल्लू का पट्टा है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। सम्राट बनो, प्रेम मांगो मत, प्रेम से भर जाओ, मांगते भिखारी है, और प्रेम तो बादशाह का मसला है,
सम्राटों की भोग वस्तु है। एक चीज समझ लेना, पैर भिखारियों का काम नहीं है। इस पॉलिसी को अच्छी तरह समझ लेना। मान लो कोई भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आया है, वो दरवाजा खटखटाता है, तुमने दरवाजा खोला और उसने अपना कटोरा आगे कर दिया और बोला कुछ खाने को दे दो। तुम अंदर गए और कटोरा लाए और उसके सामने रखते हुए बोले, भाई तुम कुछ खाने को दे दो। अब ये क्या सिचुएशन हो गई बताओ? लड़की प्रेम ढूंढ रही होती है और आगे से उसे भिखारी मिल जाता है, यानी लड़की भिखारी है। लड़कियां प्यार ढूंढ रही है, उन्हें चाहिए कोई ऐसा लड़का जिसके पास बहुत प्यार हो, बहुत रोमांटिक हो, फुल ऑफ लाइफ हो, वो गर्लफ्रेंड्स लेकर घूमता हो, इंजॉय करता हो और मैं भिखारन बनकर जाऊँ कि मुझे प्रेम दे दो। भी कब पूरी होती है? जब देने वाला बादशाह हो और मांगने वाला भिखारी। ये सही सिचुएशन है। और गलत सिचुएशन क्या है? या तो दोनों बादशाह हैं या दोनों भिखारी। दोनों में से कोई एक भिखारी होना चाहिए और कोई एक बादशाह। तो पहले तय करो तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हो वो बादशाह है या भिखारन। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, 99% लड़कियां भिखारन होती है। एक लड़का मेरे पास आया, बड़ी अच्छी सिचुएशन है, समझो बात को। मैं जो मामला समझा रहा हूँ उसे पकड़ रहे हो ना? क्योंकि ये मेंटेलिटी बहुत जरूरी है। यहाँ मैं तुम्हें ट्रिक्स नहीं सिखाऊंगा, यहाँ मैं तुम्हें एटीट्यूड सिखाऊंगा। एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा, मैं ना गुरुजी एक लड़की के पीछे पड़ा हो, मैं ना उससे बहुत बार कह चुका हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, वो मानती ही नहीं है। मैंने कहा, कितने सालों से पीछे पड़े हो? मैंने कहा, कौन कौन से तरीकों से मांगा? उसने बताया 4 साल। वो मुझे कहानी बताता रहा। मैंने कहा चल। मैं उसे अपने साथ बाजार ले गया, वहाँ बाजार में फलों की दुकान थी, फलों की दुकान होती है ना। मैं उसके पास गया और कहा, भाई टमाटर है? दुकानदार ने कहा, नहीं ये टमाटर नहीं है। मैंने कहा, दे दो ना यार टमाटर। बोला, नहीं है। मैंने कहा, देख लो यार टमाटर दे दो। उसने कहा, टमाटर है ही नहीं तो कहाँ से दे दो। मैंने कहा, देखो हो सकता है तुम्हारे पास कहीं। वो दुकानदार गुस्से में आ गया, बोला, भाग यहाँ से पागल। मैं वहां से गया और लड़के से कहा, यार उसने मुझे टमाटर क्यों नहीं दिए? उसने कहा, उसके पास टमाटर है ही नहीं, टमाटर की दुकान ही नहीं है, कहाँ से देगा। मैंने कहा, यार टमाटर तो फ्रूट होता है ना। आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप लॉजिकली बोल रहे हो, टमाटर फ्रूट है, लेकिन जनरली टमाटर को हम वेजिटेबल मानते हैं, फ्रूट शॉप में टमाटर नहीं मिलता। अब मुसीबत तब हुई जब मैंने अगले दिन फिर उस लड़के को साथ ले गया। मैंने कहा चल, बोला कहा, मैंने कहा चल टमाटर लेने चलते हैं। उसने कहा, सर आप क्या कर रहे हो? मैंने दुकानदार के पास गया और बोला, भाई टमाटर है? दुकानदार मुझे आंखें खोलकर देखने लगा, ये लड़का मुझसे मस्ती करने आता है। पढ़ा लिखा लड़का है, गोरा चिकटा, चश्मे लगा कर रखे हैं, स्मार्ट नजर आता है, अच्छे खानदान का लगता है, पागल तो है नहीं। वो बोला, अभी तुझे चाहिए क्या? मैंने बोला, टमाटर दे दो। उसने बोला, जूते खाएगा? अब मेरे साथ वाला लड़का बोला, चलो सर। अबे तू सर है इसका? लड़के ने कहा, हाँ। अबे ये कैसा पागल टीचर रखा है? मैंने कहा, देखो ना यार टमाटर है। अब ये सिलसिला चलता रहा 4 दिन। 5वें दिन मैं गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, पागल आदमी है। उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अपना काम करते रहा। मैंने कहा, अंकल टमाटर है? उसे जवाब ही नहीं दिया। मेरे साथ जो लड़का था वो बोला, पिताजी मैं समझ गया आप क्या समझाना चाहते हैं, अब घर चलो। प्यार देगा कौन? जिसके पास प्यार होगा वही देगा। तुम्हें लगता है लड़की ने प्यार छुपा के रखा है, दे नहीं रही है, किसी और को देगी? अरे यार वो खुद भिखारन है, अपने लिए बादशाह ढूंढ रही है कि कोई मुझे प्यार दे दे। अब सम्राट कैसे बना जाए उसे समझो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे पास मुंबई से एक कार ओनर्स आए, उनके कारों का शोरूम था, बहुत बड़ा शोरूम था, कारें बेचते थे, करोड़ों का ट्रांजेक्शन था। 2 भाई थे, जुड़वा भाई थे, मेरे पास आए कॉन्टैक्ट करके कि हमें कुछ क्लासेस चाहिए कि हमारी सेल्स गिरती जा रही है। यहाँ से मैं तुम्हें सम्राट बनने का तरीका बता रहा हूँ, ये पी बॉय बनने का जबरदस्त हिस्सा है। मैं तुम्हें एटीट्यूड सिखा रहा हूँ, इसे अच्छी तरह पकड़ लेना। वो मेरे पास आए और बोले, हमारे सेल्स मैन कारें नहीं बेच पा रहे, पता नहीं क्या चक्कर है, हमने कहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाए हैं, इनकी कहीं ट्रेनिंग लगाई है, हमने बाहर से लड़के हायर किए हैं, खूबसूरत लड़कियों को भी रखकर देख लिया, लेकिन हमें उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वो दोनों भाई मेरे पास आए और बोले, मामला क्या है समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा, चलिए मैं आपके साथ मुंबई चलता हूँ, पहले ज़रा आपके शोरूम को देख लेता हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। मैं ज्योतिषी के तौर पर भी काम करता हूँ, लोग मुझसे वास्तु के लिए कंसल्ट करते हैं और एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रीफर करते हैं। उन्होंने कहा, आप देख लीजिए, वैसे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी करवा लेंगे, आपका काफ़ी नाम सुना है, आपकी भी सर्विस लेकर देख लेते हैं। मैंने कहा, मैं देखूंगा यहाँ एक दिन आपके सेल्समैन कैसे डील करते हैं।
उन्होंने कहा ठीक है देख लीजिए, लेकिन आप देखना क्या चाहते हैं? मैंने कहा देखता हूँ आपके सेल्समैन की बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कैसे बात करते हैं। उन्होंने कहा वो सब हमने सिखा दिया है, हमने इनके बड़े कोर्स करवाए हैं, कैसे खड़े होना है, एक हाथ को यहाँ रखना, कस्टमर का वेलकम करना है, स्माइल देनी है, कार को छूना नहीं है, कार पर पैर नहीं रखनी है। मैंने कहा वो सब गड़बड़ है, पहले मुझे देख लेने दो, कल बात करते हैं। मैंने एक दिन चेक किया और अगले दिन कहा मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, सारे सेल्समैन फलाने हॉल में आ जाओ। उनके पास करीब 12-13 सेल्समैन थे और 15-16 सेल्स गर्ल थी, सबको बुला लिया। अब मैंने उनको क्या समझाया वो गौर से सुनो।